एशियाई गेम्स में भारत को गोल्ड दिलवाने वाले हिमाचल के बेटे अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर पर नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा द्वारा रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को साल में 4 बार अपना पता देना होता है, लेकिन अजय ठाकुर अपना पता नाडा को देने में असफल रहे, जिसके चलते डोपिंग टेस्ट की गतिविधियां नहीं चल सकी। सूत्रों की माने तो 3 बार अजय ठाकुर को नाडा द्वारा नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसका जवाब भी किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए, जिसके चलते नाडा ने अजय ठाकुर पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया है। अब अजय ठाकुर को एंटी डोपिंग सुनवाई पैनल के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया है। इस घटना को लेकर जब सोलन में आए अजय ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने अपनी सुनवाई में कहा कि वे पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सेवा के दौरान लगातार कई तबादले होते गए, जिसके वजह से वे अपना स्थायी पता नाडा को नहीं दे पाए। अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर ने कहा कि वे लगातार अपना पता नाडा को भेजते रहे हैं, क्योंकि उनके पते तबादलों के कारण लगातार बदलते रहे, जिसके कारण नाडा को शक हुआ कि वे डोपिंग टेस्ट से बचने के कारण अपना पता बदल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सभी कागज एकत्र कर लिए हैं और 20 अप्रैल को वे एंटी डोपिंग सुनवाई पैनल के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अजय ठाकुर किसी भी डोपिंग टेस्ट से न डर रहा है और न ही बच रहा है, वे केवल पुलिस अधिकारी का कर्तव्य निभा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाडा को ये भी आग्रह किया है कि वे उनके बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वे नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं और यहाँ तक कि शरीर को गर्म करने के लिए मुंह तक नहीं लगाते हैं। लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अजय ठाकुर को बैन किया गया है ड्यू टू नाडा। उसमें क्या होता है, वेयर अबाउट होती है ना। वेयर अबाउट मीन्स होता है कि मुझे अपने घर का पता देना होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, किस तरीके से रहता हूँ, है ना। तो ये नाडा को हमारी कंटिन्यूसली जाती है हर मंथ। तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे मेरी ट्रांसफ़र पहले थी अपना नैना देवी में, तो मैंने वहाँ का एड्रेस दिया, क्योंकि मैं प्रोबेशन टाइम पे था तो मेरी ट्रांसफ़र कंटिन्यू होती रही। तो उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रांसफ़र फिर नैना बिलासपुर हो गई कोरोना काल में, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कोरोना टाइम में मैंने ड्यूटी की नैना देवी में। तो नैना देवी के बाद तुरंत मुझे भेज दिया गया शिमला, तो मैं शिमला में आ गया। और उसके बाद मुझे फिर आजकल मैं पोस्टेड हूँ नैना देवी के, अगर आपने गुरु का लाहौर सुना होगा, बस्सी बटालियन, तो मैं वहाँ पर हूँ। तो उनको लगा कि ये 3-4 एड्रेस एकदम क्यों चेंज किए गए, तो उनमें उनको लगा कि ये मैं भी शायद अजय ने जानबूझ के ये एड्रेस चेंज कर दिए गए। मेरा थोड़ा इसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक हुई कि मैंने उसमें अपनी जो हमारी जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्स, है ना, उसकी कॉपी अटैच नहीं की। तो अभी मैंने अपने DGP साहब को लेटर लिखा है कि मुझे जितनी भी हमारी ट्रांसफर्स कॉपी जो भी हैं, जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जो मेरा ज्वाइनिंग पीरियड है, वो मैंने मंगवा लिया है, वो हम लोग उनके पास पेश करेंगे कि मैंने जो भी आपको भेजा है, जो भी हमारे एड्रेस हैं, वो सही हैं। डोपिंग, मैंने आपको जो मैंने बताया आपको कि डोपिंग टेस्ट का मीन्स क्या होता है, डोपिंग डोपिंग टेस्ट में होता है कि अगर आपका कोई ब्लड सैंपल लिया जाए, मैंने आपको बताया कि वेयर अबाउट, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, मे भी मेरे पास शायद खबर, आप जूम करके उसको दिखा दीजिए। वेयर अबाउट का मतलब होता है कि आप रहते कहाँ पे हैं, यानी कि जो लिस्ट में शामिल होते हैं जी, उन्हें अपना पता देना होता है, देना होता है, और मैंने वो दिया भी है। उसमें मैंने काफी उनको अपने स्क्रीनशॉट भेजे। अब मे भी जो एड्रेस है, जो अभी मेरा हाल ही का एड्रेस है, वो है, देख अगर आप इसे जूम करके दिखाएंगे फुल एड्रेस, ये मैंने उनको भेजा है नाडा को, ये देखिए आप अपना नाडा का फुल 5th पुलिस बटालियन बस्सी लैंडमार्क नियर गुरु का लाहौर नियर बाय सिटी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर स्टेट हिमाचल प्रदेश। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने सही एड्रेस दिया है, पर उनको लग रहा है कि मे भी ये गुरु का लाहौर क्या है, ये किस तरीके का एड्रेस है। अगर आप इसे नेट से सर्च करेंगे अभी, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएगा। मैंने वही बोलूँ कि वेयर अबाउट मीन्स मेरा पता, उनको लगा है कि ये सस्पेक्ट, ये पता कुछ अजीब तरीके का है, ये मेरे ऊपर चार्ज लगे हैं, ना कि डोपिंग टेस्ट के। अगर आप अजय ठाकुर ना तो ड्रिंक करता है ना बियर लेता है, इवन के पिछले 10 साल से मुझे बुखार भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम तो मैं पिछले 20 साल से प्ले कबड्डी खेल रहा हूँ, मैं भी शायद कोई आज तक इंडिया में कोई इतना लंबा कोई प्लेयर खेला हो जितना मैंने अपने आप को मतलब साबित किया है। तो वो जब मर्जी हो जाए तो क्लियर होगा, ये कल भी होगा परसों भी, तो क्लियर है, क्लियर बात है। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि मैं बस्सी बटालियन में हूँ, जब मर्जी आइए आप डोपिंग टेस्ट लीजिए, कोई इशू नहीं। आज अभी ये यूनिफॉर्म उतार के मुझे आज आप खिला दीजिए, सब पूरा इंडिया इस चीज़ से विख्यात है कि अजय ठाकुर खेलने से पहले मूव तक नहीं लगाता शरीर पे कि गर्म होने के लिए। हमारे में इतना मादा है, इतनी गर्मी है हमारे में कि हम ऐसे ही खेल सकें, है ना। तो हमने और साबित भी किया है इसको, मैंने बड़े बड़े इवेंट, मैंने अकेले अपने सिंगल
हाथों से जिता के दिए हैं देश के लिए, और हम आगे भी खेलते रहेंगे। और टेस्ट तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वेयर अबाउट की, ये हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, जो जो मेरी ट्रांसफर्स की कॉपी है ये हम वहाँ लगाएंगे और हम शो करेंगे। मैं तो उनको ये भी जवाब दिया कि आप कृपया करके जो हमारे CM साहब को या हमारे DGP साहब को आप ऑर्डर भेज सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि अजय ठाकुर सच बोल रहा है, ये कहाँ पे पोस्टेड है। कि 20 तारीख को शायद मेरा अभी एक जिसको एक ज्यूरी बैठती है उसमें बुलाया गया है, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो जो मेरी ट्रांसफर की कॉपी है मैं रखूँगा कि देखिए मेरा तो अभी यही जवाब है कि मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ, आप कभी भी आएँ कभी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं।